करे बनने का काम भी इसमें चालू हो चुका था, परंतु अब 62 दिन की अवस्था पर हमें इसमें दोबारा से फूल देखने को मिल रहे हैं। तो किशन भाई, इसका क्या कारण हो सकता है कि हमें अब 62 दिन की अवस्था पर दोबारा से फूल देखने को मिल रहे हैं? और साथ ही मैंने इसमें कौन से टॉनिक और फंगिसाइड का स्प्रे किया था, इसकी जानकारी भी मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी RBS-18 सोयाबीन की फसल है, और इसमें अब दोबारा से फूल आना प्रारंभ हो गए हैं, वो भी 62 दिन की अवस्था पर। और ये एक दो पेड़ की बात नहीं है, बल्कि पूरी फसल में हमें इस प्रकार के फूल देखने को मिल रहे हैं। और किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 5 से 6 दिन पहले फेंटेक प्लस टॉनिक और प्रयागसर फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन में स्प्रे किया था। तो किसान भाइयों, अब बात आती है कि ये जो फूल आ रहे हैं ये टॉनिक और फंगिसाइड की वजह से आ रहे हैं, या फिर फूल आने का कारण कुछ और ही है? तो किसान भाइयों, मैंने जितने क्षेत्र में टॉनिक और फंगिसाइड का स्प्रे किया था उतने क्षेत्र में तो दोबारा से फूल आ ही रहे हैं, परंतु जिस जगह पर मैंने स्प्रे नहीं किया था वहां जाकर देखा तो वहां भी मुझे इसी प्रकार के फूल देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो फूल दोबारा से आ रहे हैं, इनका आने का कारण फंगिसाइड और टॉनिक तो नहीं है। तो फिर फूल आने का कारण क्या हो सकता है? तो किसान भाइयों, मेरे पर्सनल अनुभव के हिसाब से फूल आने का कारण ये हो सकता है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण पौधे को धूप नहीं मिल पा रही थी और मिट्टी में भी काफी अधिक नमी थी, परंतु पिछले 6-7 दिनों से हमारे इधर मौसम साफ है और अच्छी खासी धूप भी निकल रही है, जिससे कि पौधे को पर्याप्त धूप भी मिल रही है और मिट्टी में भी नमी कम हो गई है, जिससे पौधा अच्छी तरह से अपना भोजन बनाकर ग्रोथ कर रहा है। तो किसान भाइयों, मेरे हिसाब से तो ये दोबारा जो फूल आ रहे हैं उनका आने का कारण मौसम में परिवर्तन हो सकता है। बाकी मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ कि इसका मेन कारण यही है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी है तो आप हमें बता सकते हैं, और आप भी अपने खेतों पर जाकर इस चीज का निरीक्षण जरूर करें, कहीं आपकी फसल में भी इस प्रकार के फूल दोबारा से तो नहीं आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।